अरे अभी एक भी नहीं बिछाए हैं, वहां झूठने हैं। अच्छा सोना, सोना गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सोनू। तो दगड़ियो गुड मॉर्निंग, शकल अभी दिखाती हूँ अपनी प्यारी सी शकल आपको। काली की तरफ से भी गुड मॉर्निंग, न्यारी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। और यहाँ ओस बहुत रखी है दगड़ियों, कल बारिश भी हुई थी ना। और ये देखिए, ये है हमारे धान का कुन्यू। एक कुन्यू वहाँ था जो आपने देखा, मम्मी ला रही है वहाँ से। और आज है हमारी धान चुटाई, इतने बिछा रखे हैं मम्मी ने ये। और दो मैं ये लेके आ रखी हूँ, एक साड़ी एक चादर और कमोर एवर बिछाने के लिए। पहले से तो वैसे हमने तो कभी नहीं बनाया, क्योंकि हमको बनाना नहीं आता है। वो बनाते हैं धान चूटने के लिए एक टेंट टाइप का, फिर वो चद्दर लगा के, चद्दर या मतलब पर्दा वर्दा लगा के, ताकि बाहर ना जाए धान। बट हमको बनाना नहीं आता है, उसमें निंगालू की लकड़ियाँ वगैरह बहुत चीज़ चाहिए होती हैं। तो हम ऐसे चूटते हैं, यहाँ पर चूटेंगे, पत्थर रखेंगे और ये कपड़ों में धान आएंगे बाहर ना जाए करके, इसलिए धान बिछा रखे हैं। तो अब अपनी शक्ल भी दिखाती हूँ। तो देखो, ये है मेरी प्यारी सी शक्ल जो अभी तक धुली भी नहीं है। सुबह से उठ के ना काम में ही लग रखे हैं हम। और क्योंकि सुबह उठी मैं, झाड़ू वाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, मतलब व्लॉग रात में एडिट कर दिया था, बस फाइनल फिनिशिंग बची थी उसकी। फिर थंबनेल बनाया मैंने, वो व्लॉग है कल का वाला व्लॉग, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है जिसने तो देख लेना। उसमें मम्मी ने मेरे को बहुत डांट लगाई है, तो वीडियो काम ही ऐसे होते हैं मेरे, बहुत बुरा लगा मेरे को कल। चलो छोड़ो, तो आप लोग देख लेना उस व्लॉग को। और अभी फ़िलहाल धान चुटाई की प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और फिलहाल हम धान चुटेंगे, और फिर दिन में भी मम्मी बोल रहे हैं दिन में भी हमने धान चुटने जाना है बल, क्योंकि इस बार हम वैसे ही लेट हो गए, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो। और फिर बारिश हो जाएगी तो फिर धान ख़राब हो जाएंगे, फिर गाजर भी काटनी है। अभी मम्मी बतानी कहाँ रह गई, तो चलिए फिर चूटते हैं धान, आपको भी दिखाते हैं। और जो लोग कहीं बाहर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ भाविका पाठक उत्तराखंड से, और अभी हम चूटेंगे धान। अब तो धान चूट रही है, लोग मुझसे कहेंगे माता श्री को क्यों चुटवा रहे हो धान, तुम क्यों नहीं चूट रहे हो। लोग मेरे को तो देखते ही नहीं है, लोग बिना माता श्री के होते हैं, गायब देखते हैं मेरे को गायब। अगली बार माता श्री का पिछली बार बेटी श्री है, यही नहीं दिख रहा है चूटने का, वो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिखी मेरे न्यू है दिख नहीं। अभी हम दिन की चिलचिलाती 1 बजे की धूप में जाने लगे हैं खेत में, दूर के खेत। सुबह तो हमने घर में ही वो चूटे। ये देखो मम्मी सर में 5 पुंदुर रख के आगे आगे, मम्मी के पीछे पीछे मैं। और सोना को तो देखो, ये किसने बुलाया होगा, दिख रहा है नहीं, ये भी आ रखा है हमारे साथ। बताओ तो, इसको तो हम छन से ही रोकेंगे। काम ना जब कबे ना ऊन काम नहीं भी हो तब उनो। तो हम जा रहे हैं अभी खेत में, क्योंकि फिर बारिश आने की संभावना भी हो रही है। अभी तक जब तक घर में थे बादल हो रखे थे ऐसे, अब नीचे को आ गए तो अब इतनी तेज़ धूप आ गई। और ये छनछालों की डेक है नीचे घर वालों की, कल श्राद्ध था ना, इसमें भात लाए थे गाय के लिए। चलते हैं दही, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो खा पी के सोए होंगे। क्या भाई चौमे, मेरे बर्ड्स लटक गए थे इसमें। ये देखो सोना को, ये देखा आपने, ये
चलो चलते हैं अंदर। खा दिया खाना? अरे नहीं खाया अभी। ये दूध तू खावे तो नहाए। हथना कथना पकावे एक गास खावे। ये चाओ यहाँ बीमार मैं समार। आ, 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 राजा जी को देखो तो राजा जी को ए राजा जी बबो तदु पटा है पे मुझे पुंटू चलो अब बैठ रहना है यहाँ आराम करना है। ओ बबो मेरी दे कहाँ लछना कोई खेत जानान कोई खेत बटी उड़ान ये सारे जिंदगी। हला छोटी अम्मा कोई जानान कोई उड़ान ओए धान चुटान बिनार घर घर चुटान छुटे आलन धान जा देखना दे दी मुट्ठी लेना है राई धान कहाँ कहाँ बटी लाया? अच्छा किस समय गई? दस माह था गई यार एक गोड़ काटी हूँ एक ठुलपीन काटा तो चार पांच घाव ते तुम्हारे धान पर ले रहा अरे उमा का गोड़ ये खेनी यार तू इतने दो रखे हैं आपके आप हमारे धान देखोगे ना अभी मैंने देखा लिया आपको भी नहीं दिखा रखे हैं हमारे धान सुबह के मैं धान दिखाऊंगी ना हंसते हंसते खितुर पड़ जाएंगे यो बाढ़ नगा बिनाड़ा सुन तो यो देख मम्मी मस्त काकार गरी कहाँ उची चला देख बक लीजिए यार बापू होए लीजून किसान से यार पर जियों का दिगी देगले ए जियों का ये दी तो दगड़ियों ये देखिए ये हम पहुंच गए हमारे नीचे वाले खेत में ये मंदिर इस बार इधर ही नवरात्रि भी बैठने वाले हैं तो ये देखिए अब यहाँ से हमारा घर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है वो चल रही मम्मी आगे आगे और मैं भी रास्ता देख के चलती हूँ दगड़ियों क्या कहाँ है हमारा ये चोटने और इनको चोटने आए हम यहाँ ए भगवानो ये देखिए दगड़े यहाँ से कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है हमारे बगल के सारे गांव दिख रहे हैं ये हमारे गांव का पीपल का पेड़ है दगड़े यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है ना बहुत ही अच्छी हवा आती है वहाँ पे बैठ के काश अभी यहाँ पे होता मैं यहीं पे बैठ जाती अब मम्मी ये सब बिछाएगी फिर उसके बाद चूटेंगे और इसमें दगड़ियों हम लाए हैं पानी ककड़ी और दाड़ीम और मम्मी मुझसे अब कह रही है अब फोन भीमा रख बल अब फोन जरूरत ना बल काम करने लग बल तो मैं भी ये बिछाती हूँ फिर व्लॉग भी बनाना दगड़ियों जरूरी है ना सुबह से थोड़ा ही व्लॉग बन रखा है। हाँ 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 चादर जन आरू लग रही मैं हले कल यू बढ़िया कपड़े भी छावे धान छुटू मिले कि छुटे खजा खजा पहन दी ये देखो आप देख सकते हैं हमारे धान इतने ज्यादा धान हैं हमारे पता नहीं अब हम कितने साल लगेंगे इन धानों को खाने में हमें हला दिखानी वे खेती कर रखी है तूने घर के भी दिखाऊंगी अभी क्या सोच रखा है जो सुबह छूटे हैं टोटल धान दिखाऊंगी दगड़ियो टोटल कितने हो रखे हैं सारे खेतों के मुला के फिर देखना खेती करने का कितना अच्छा फल मिल रहा है धान में से बूटी रखे हैं घाम में और बिल्कुल बीमार ऐसे हो जा रहे हैं यहाँ
और खेती से इनको लाभ कितना हो रहा है सब दिखाऊंगी मैं आपको। मम्मी पर काकड़ खाद दाड़ी में गुच्छी भी हम दाड़ी में भी लेके आए, बट पानी की प्यास तो पानी बुझाते थे गाड़ी, इतना ही पानी बचा है देखो हमारे पास, ये इतना ही रह गया है। बहुत ही प्यास लगी, देखो मेरा मुँह कितना लाल हो गया, ये ढक्कन भी नहीं खुलेगा। हाँ पानी की प्यास तो पानी ही बुझाता है दगड़े, चाहे तुम कितना कुछ खा लो पी लो। ले तो दगड़ियों धान की पोटली लेके आ गई हूँ मैं घर, इतने धान नहीं है जितने आपको दिखाए थे उतने ही और रखे हैं, और इसमें कपड़े हैं जो कपड़े बिछाए थे ना वो कपड़े हैं, धान तो जितने और रखे हैं। अब जिस दिन मम्मी धूप में सुखाने डालेगा उस दिखाऊंगी आपको, अभी ये दो तीन ही खेत के हैं हमारे, उस दिन सारे दिखाए जाएंगे। हाँ अभी फिलहाल घर पहुँच गया और सोना भी पहुँच गया दगड़ियो। अब इसको रखते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, बोलने की बिल्कुल ताकत नहीं आ रही अभी, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे भी। तो दगड़ियों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, मम्मी थोड़ी आवाज़ कम कर दो, मम्मी व्लॉग देख रही है दगड़ियों जो मैंने आज अपलोड किया था, आप देख लेना उसको, आपके लिए परसों वाला हो जाएगा, आजकल डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे, तो आप देख लेना अगर जो जो आपसे मिस होते रहेंगे तो। और अभी दगड़ियों आपने सुबह से देखा हमने धान वान चूटे और बहुत सारा काम हो गया आज तो, और फिर मैंने घर के कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि उन कपड़ों में ना मेरे कुमर ही कुमर हो गया था, क्योंकि फिर हमने लूट भी बनाया ना और लूट बनाने का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई दगड़ियों। मम्मी बोला आज की दिन आज की दिनचर्या ठीक कटी, पर थकान इतनी हो गई है ना दगड़ियों। और हाँ तुम्हें क्या कही थी, फिर कुमर कुमर हो गए थे, लूट बनाया, फिर उसके बाद ना मैं बहुत थक गई थी, वीडियो बनाने की याद भी नहीं रही। और अब दगड़ियों अब हमारा ना हमने धान पूरे काट भी दिए हैं और चूटी चूट भी दिए हैं एक ही दिन में, काटना तो खैर एक दिन में नहीं काटे, मम्मी ने थोड़े थोड़े करके काटे थे, फिर मम्मी बीमार हो गई थी तो आप लोगों को पता ही है, फिर चूटने में रह गए थे, और हमारे धान इतने सारे थे कि हमने एक दिन में सब चूट डाले। अब आप ये बोलो कि हम इतने ताकतवर हैं या धान इतने कम हैं, ठीक है तो हम इसी खुशी में अब हम बनाएंगे गोल गप्पे यानी कि पानी पूरी, और बहुत बहुत नाम है उसके, पानी बतासे और क्या होते हैं गुपचुप और फुलका फुलकी बहुत सारे हैं, तो आप लोग तो जानते हो गोलगप्पे, तो हम बहुत मतलब मन हो रहा था, काफ़ी दिनों से मेरे पास गोलगप्पे पड़े हुए थे बट मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर नहीं बना पाए थे, बट अब हम बनाएंगे गोलगप्पे जो आजकल बहुत फेमस है ना, फेमस हो रखा है एक डब्बा वो 65 रुपीज़ वाला, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, मैं वही बनाऊँगी, तो चलिए फिर बनाते हैं गोलगप्पे और फिर खाते हैं। यहाँ पे अभी ऐसे खितुर पड़ रखे हैं इसके हंसने के अपने आप को देख के, और यहाँ पे मेरे को ये बहुत डांट रही थी दगड़ियों ब्लॉग में, देखो अभी देखो दगड़ियों कैसी मासूम दिख रही है ब्लॉग देखते समय, और उस समय ऐसी बॉली रखी थी, हो गया चल देख तू। तो दगड़ियों ये आ गई हमारी पानी पूरी गोलगप्पे जो भी कहो, ये गोलगप्पे का मसाला और ये गोलगप्पे, ये हरा वाला पानी है, मीठे चटनी, और मम्मी को तो कसी पैर दगड़ियों कसी कब जब पट जाए रे, चल मम्मी को बीमार की वजह से ना मुंह जैसा वो सूख जैसा रखा है टेस्टी, चलिए फिर खाइए पहले आपकी वीडियो बनाते हैं। दगड़ियों मम्मी मिर्च कम खाती है ना के बराबर ही खाती है, आज तो मम्मी बोलती चटपटा बनाना थोड़ा बुखार की वजह से तब मैंने डाली, वरना तो मैं डालती भी नहीं, और मम्मी के पास मिर्ची पहले आती है, ये डालो मीठी चटनी उधर को कर, चलो मेरे मुंह में पानी आ रहा है दगड़ियों खाओ तेरे मुंह में घी शक्कर का। अभी तो गोलगप्पा चाहिए। तो
से गड़ियो। चलो अब मैं भी खाती हूँ, मेरी वीडियो तो अपने आप ही रहती है, या तू बना देती है या सुकून में ऐसा। चलो तो गड़ी, एक मैं भी चखती हूँ। मुझे नहीं खाना मम्मी, कैमरे में देखना, मुझे मत देखना ऐसे। तो गड़ियो ये मतलब काली आ रही है, पीठ हो रही थी मेरी। नहीं नहीं सही आ रही है, तो काली नहीं आ रही है, मैं कह रही हूँ जब। और ये हम डालेंगे इसमें मसाला, डालेंगे चटनी, चटनी लाल चटनी डाल दिया था गड़ियों, मम्मी दिखाई नहीं रही, ये रही। और ये डालते हैं हम तीखा वाला पानी। बिना मेरे को ना मीठे के मजा नहीं आता था गड़ियों, कोई कोई तीखा तीखा खाते ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जन्नत देखो, मम्मी को अपने खाने की जल्दी हो रही है, मेरी वीडियो नहीं बना रही। मम्मी ये पुराना फोन नहीं है, नया फोन है, इसमें सब गोरे आते हैं।